हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट्स है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है, और क्या कुछ जो आरटीआई लगाई हुई थी उसकी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जो आरटीआई है विद प्रूफ उसका जो है हम आपको नोटिफिकेशन देंगे कि जो आपकी पीआरटी रिजल्ट्स है उससे रिलेटेड क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि पीआरटी का जो रिजल्ट्स है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स का यही मानना है कि एग्ज़ाम लेने में इतनी जल्दबाजी की थी लेकिन जो रिजल्ट्स है वो अब तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो पीआरटी जो रिजल्ट्स है, सो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि क्यों ये लेट है और क्या इस आरटीआई का। तो देखो, जो रिजल्ट्स रिगार्डिंग अपडेट आई है, अब आपका रिजल्ट्स जो है लगभग तैयार हो चुका है। तो एक बार दिखा देते हैं आपको। देख सकते हो आप यहाँ पे जो आरटीआई लगाई हुई थी उनका जो है, इट इज़ इंटिप्ट दैट रिक्रूटमेंट एजेंसी सीबीएसई न्यू दिल्ली हैज़ प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। यानी कि जो लिस्ट है वो आपकी तैयार हो चुकी है आपके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। एक मिनट, मार्क ऑब्टेंड इन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी वन लिस्ट में आपका, एक लिस्ट में आपकी बीएड डिग्री डिग्री होल्डर्स को इंक्लूड करके बनाई गई है और दूसरी विदाउट बीएड डिग्री होल्डर, ताकि जो रिजल्ट्स आए यानी कि जो आपकी बीएड वालों को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी सही रहेगी, और अगर नहीं किया जाता है तो जो सेकंड लिस्ट है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। इट मीन्स जो आपका रिजल्ट्स है वो तैयार हो गया है एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन रिसीव्ड फॉर एमओई। जो भी रूल और रेगुलेशन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी लिस्ट जो है पब्लिश कर दी जाएगी। तो जो आपका रिजल्ट्स है वो बिल्कुल तैयार है, जल्द ही आपका जो रिजल्ट्स है जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, जैसे ही केवीएस आपका जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर देगा, रिजल्ट्स आपका तैयार है। दो लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है, एक आपकी बीएड वाली जिसमें बीएड को इंक्लूड किया गया है और एक विदाउट बीएड वाली। तो देखना होगा, और जल्द ही फिर आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।